तू अपनी खूबियाँ ढूंढ, खामियाँ निकालने के लिए लोग हैं ना। अगर रखना है कदम तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग हैं ना। सपना देखना है तो ऊंचा देख, नीचा दिखाने के लिए लोग हैं ना। तू अपने अंदर के जुनून की चिंगारी को भड़का, जलने के लिए लोग हैं ना। प्यार करना है तो खुद से कर, नफरत करने के लिए लोग हैं ना। तू अपनी अलग पहचान बना, भीड़ में चलने के लिए लोग हैं ना। तू कुछ करके दिखा दुनिया को, तू कुछ करके दिखा दुनिया को, तालियां बजाने के लिए लोग हैं ना। हर व्यक्ति का जन्म इस दुनिया में किसी न किसी कारण से हुआ है, कुछ बड़ा और कुछ छोटा शानदार करने के लिए। लेकिन सिर्फ 1% लोग ही उस काम को कर पाते हैं जिसके लिए उसे भेजा गया है। और क्यों 99% लोग नहीं कर पाते? देखिए, जिंदगी में सबसे आगे बढ़ने की बाधा क्या है? वो है डर। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि हमें डर क्यों लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे खुश होना, उदास होना, गुस्सा होना इत्यादि स्वाभाविक है, ऐसे ही डरना भी स्वाभाविक है। डरना इंसान की प्रवृत्ति है। इसी में हमें पुरातन काल से शिकार होने से बचाया है। डरते समय हमारी सारी इंद्रियां एकाग्रित हो जाती हैं, हृदय गति बढ़ जाती है, खून का प्रवाह तेज हो जाता है और हम खतरा भांप कर अपनी जान बचाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। डर की वजह से आप किसी चट्टान की तरफ नहीं जाते, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर ज़्यादा खतरा है और डर आपको किनारे पर जाने से रोकता है। और इसी डर की वजह से अंधेरे रास्तों पर नहीं जा पाते। डर की वजह से आप जंगली जानवरों से दूरी बनाकर रखते हैं। डर ने आपको बहुत बार जाने अनजाने में जोखिम में जाने से बचाया है, पर यही डर कभी कभी आपको आपकी मंजिल पाने से रोक देता है, आपके काम में अड़चन डालने लगता है, जिससे आपको काम करने में रुकावट आ जाती है। अगर कोई पहली बार दर्शकों के सामने स्टेज पर जाता है तो उसी डर की वजह से कुछ बोल नहीं पाता, मुख सूखने लगता है, हाथ पैर कांपने लगते हैं, रोंगटे खड़े होने लगते हैं, पसीना आने लगता है। यही डर के प्रति स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। किंतु गलत जगह और गलत समय पर डरना उचित नहीं है, हमें असफलता की ओर ले जाता है। इसीलिए डर का डटकर मुकाबला करें और अपनी मंजिल तक पहुँचे, यही हमारे जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए। अगर जीवन में आपको डर लगे तो श्री कृष्ण द्वारा बताई गई इन बातों का अनुसरण करें। डर को अपना दुश्मन नहीं दोस्त समझें। डर को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। सबसे अहम बात यह है कि आपको किस बात से डर लग रहा है। ऐसे में आप महसूस करोगे कि डर की असली वजह पता होने पर आपका डर काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। आपको जिस बात से डर लगता है उसकी सकारात्मकता की कल्पना करें। जैसे अगर आपको तैरने से डर लगता है तो कल्पना करें कि आप नदी में खुशी खुशी
तैर रहे हैं। यदि आपको जीवन में किसी से बिछड़ने से डर लग रहा है, तो सोचें कि आप उस व्यक्ति से के साथ खुश हैं और वो आपके साथ हर पल रहने का वादा कर रहा है। जब भी आपको किसी चीज को खोने या हारने से डर लगे, तो सोचो अगर ऐसा भी हो जाता है तो उसके बाद क्या होगा? क्या आपका जीवन चल नहीं पाएगा? ऐसे विचार जानते हुए आप जीवन के सत्य को डर से दूर कर पाओगे। आपको जब भी डर लगे तो अपना सबसे बुरा दिन सोचे, खुद से सवाल पूछे, क्या आपने वो बुरा दिन काट लिया तो आप जीवन में कुछ भी कर सकते हैं और कोई भी स्थिति आपको डरा नहीं सकती। डर को सबसे दूर रखने का अच्छा तरीका है पॉजिटिव थिंकिंग। जो परीक्षा होती है तो आप पहले ही सोचने लगते हैं कि पेपर अच्छा नहीं गया तो क्या होगा, जिससे आपका डर और बढ़ जाता है। इसीलिए हमेशा पॉजिटिव सोचें, सकारात्मक कल्पना करें। इसी कल्पना से आप किसी भी डर को दूर कर सकते हैं। इसीलिए जब भी आप किसी बात को लेकर डरते हैं, तो बस मन में पॉजिटिव थिंकिंग ही रखें। विश्वास रखें, जो आप चाहते हो वो पा सकते हो। कुछ करना है तो डट कर चल, थोड़ा दुनिया से हट कर चल। लीक पर तो सभी चल लेते हैं, कभी इतिहास को पलट कर चल। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आप इस वीडियो के माध्यम से अपने डर को थोड़ा बहुत तो कम करना सीखे होंगे। और मिलते हैं अब एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद एंड जय श्री राधे कृष्णा।